तो वंदन गीत में फिल्मी धुन गाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ गीत ऐसे हुआ करते हैं जो दिल को छुआ करते हैं। माता रानी का दरबार सजा है और कितने सारे भक्त बैठे हैं जी, हमारी माताएं बहने बैठे हैं, भाई बंधु बैठे हैं, लेकिन कोई माता रानी के नाम का जयकारा नहीं लग रहा है। तो एक छोटा सा बालक खड़ा हो गया, हमारे सोनी जी का बालक खड़ा हो गया और कहने लगा, ये पुजारी महाराज, ए महाराज, महाराज ये हो आपका ध्यान किधर है? पुजारी महाराज से हमारे सोनी जी का बालक कहने लगा कि महाराज, मैं इस दरबार में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना चाहता हूँ। तो पुजारी महाराज बोले, बेटा माँ के नाम का जयकारा लगाने से होगा क्या? तो सोनी जी का बालक कहने लगा कि सुनो पुजारी महाराज, माँ के नाम का जयकारा लगाने से होगा क्या? Thank you.
अब ये नंदी किशोर निराला कह रहा है कि भैया मां से निवेदन कर रहा हूं भैया मैं ज्ञान उपनिषद हूं मां साज बजाना जानता नहीं हूं लय का कोई ज्ञान नहीं है नहीं है तो भैया मैं चाहता हूं आप अपनी मधुर वीणा को लेके आइए और आज इस हमारे मंच को सजा दीजिए भैया सजा दीजिए और ये नीज उड़िया महिमा की ओर से ये आशीर्वाद पुनः आया है बिटिया राणा के चरणों में निरला की ओर से नमन है कहीं ना कि माँ आओ माता अपनी वीणा के तार झकर करो माँ आओ चलनी लिए कर वीणा Thank you.
माता से कहने का मैं चाहता हूँ श्रद्धा के मोती चरणों में चढ़ाता रहूं और मुझे आपने जो कीर्तन गाने की शक्ति प्रदान की है माँ तो मैं चाहता हूँ जब तक मेरी सांस चले तब तक गुड़े का न तेरा मुख से मैं काटा रहूं इस जीवन में जो आशा की ज्योति जल रही है उसे जलाए रखना भैया आपकी ओर से पुनः जो है 21 पत्र मुद्राएं दिया है निराला की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद है शादीवाद है चलिए चल रहा हूं एक यहां से जवाबी का मेट्रो शुरू होता है हां भाई हमारे जीतू स्वामी जी जवाब दे घरूसा निवासी हैं आप और आपने आने का कष्ट किया बहुत-बहुत धन्यवाद है चलिए चलाऊं प्रथम गीत की ओर जय हो आम के भक्त विराजमान हो चुके हैं और आपका आना अति अनिवार्य है बिल्कुल इसलिए कुछ पंक्तियां आपके चरणों में क्योंकि कीर्तन एक शाब्दिक आनंद है तो देखिए महामाई की वंदना करने से पहले मैं वंदन करूंगा अपने गुरु पूज्य श्री स्वर्गीय पूरनचंद मिश्रा जालौन जो कि हमारे पूज्य गुरुवर थे जिन्होंने अपने उत्तर प्रदेश में क्या कई प्रदेशों में नाम कमाया कीर्तन के माध्यम से रामलीला मंच के माध्यम से अभिनय के माध्यम से उनके चरणों में वंदन करते हुए आइए और इस पावन भूमि को भी नमन करते हैं जहाँ हर वर्ष कीर्तन के हर वर्ष में कम से कम 3-4 बार कीर्तन हो जाते हैं और जहाँ कीर्तन हो जाते हैं वहाँ का तो वातावरण भी शुद्ध हो जाता है ये बात इस पावन भूमि को नमन करते हुए नमन करेंगे अपने सहयोगी पार्टी हमारे भैया श्री नंद किशोर निराला जी उनके सभी सक्षम साथियों को कोट कोट वंदन है ये बात अलग है कि हमारे भैया नंद किशोर निराला जी ने अपने गुरु का परिचय नहीं दिया ये बात अलग है ये बहुत अलग बात है आवाज बढ़ा दो भाई साहब बंदर कहेंगे अपने पिता तुल हमारे दद्दू हैं जो
उनके चरणों में, माता जी के चरणों में भी वंदन करेंगे। बिल्कुल, जब माँ समान माई पुत्र के समान प्यार करती हैं, उनके चरणों में वंदन करते हुए आइए महामाई की कुछ पंक्तियाँ। जाने अनजान तो से उर से विसार, क्यों क्यों शारदे हमारे का शारदे हमारे काज शारदे स्वर सरगम का उत्तम पर पाड़ी मात्र पाकी पसार दे। कुछ कर दे वहां क्योंकि कुछ पंक्तियां हमारे मंगल ने लिखी है, पंक्तियों को मैं जरूर पढ़ता हूँ, बिल्कुल पढ़ता हूँ। हमारे गुरुतुल्य जो कि हमारे अच्छे राइटर है जिले के मानस, उनकी कुछ पंक्ति मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। प्रेम की प्रतीत प्रतीत पाद पावन में पारस परस प्रसाद पीयूष पिला दो माँ, पड़ा हूँ पाप के पंख में पंकिल सा तो प्रसार दो पराग पदम पुष्प सा खिला दो। पड़ा हूँ कीर्तन एक शाब्दिक आनंद है, ये न मत समझिए कि ये सरल है कीर्तन, और ये हिंदी बहुत सरल है, हिंदी बड़ी कठिन है, इंग्लिश से भी ज्यादा कठिन है। बिल्कुल, पड़ा हूँ पाप के पंख में यानी कीचड़ में और पंकिल सा यानी कीचड़ से सना हूँ तो प्रसार दे पराग पदम पुष्प सा खिला दे वहां, और क्या करते पोषित प्रभा से प्रभावानस तो चक्षुओं के पक्ष पक्ष धर से फैला दो। आइए महामारी की वंदना शुरू करने से पहले देखिए हमारे नगर में पधारे हैं हमारे श्री के एस म्यूजिक वाले भाई संजय जी, और बहुत दूर से पधारे हैं तो ये भी न सोच पाए कि हम मुरई गए तो हमारा स्वागत भी नहीं हुआ। बिल्कुल, हम चाहे थे उनका स्वागत है और माला के द्वारा हमारे आनंद भाई साहब तो भक्त का कहना है कि अरे माँ आपका आना बड़ा अनिवार्य है, इसलिए क्योंकि बिना आपके कोई काम होने वाला भी नहीं है, इसलिए कहना है भक्त का। लेकिन फिर भी दुनिया ने कुछ पंक्तियां पढ़ दी है क्योंकि वहां पे बड़े बड़े कवि बैठे हुए बड़ी मेहनत से गीत लिखते हैं, अगर उनकी मेहनत को हम लोग सार्थक नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए उनकी मेहनत को सार्थक करती है उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं फिर भी दुनिया की। बिल्कुल, अरे छोड़ो आरा जाना आजकल लोग कब सुन रहे हैं चला जाता हूँ, कारण क्या है, कीर्तन वाले इतना हल्ला मचा रहे हैं, बहुत हल्ला मचा रहे हैं, लोगों की ये शिकायत हो गई है कि हल्ला पीछे से बहुत मचता है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता। सही बात, जवाबी प्रोग्राम कराए तो क्यों कराए,
देखिए मैंने अपने मंडल को ये प्रतिबंध लगा दिया है, ज्यादा हो अल्लाह नहीं, थोड़ा सुकून से बस बजिए आप और सुकून से ड्रिंक करिए, लोगों को आनंद दीजिए। धरती कगल माँ
बोलिए सच्चे दरबार की है।